तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछली एपिसोड में हमने यहाँ तक तो हमने शेडिंग को कंप्लीट किया था। तो गाइस, इस एपिसोड में हम फेस को पूरी तरह से यहाँ पर शेडिंग करने वाले हैं, और क्राउन और हेयर और जो बाकी पार्ट थोड़ी बहुत है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और जो 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 भी बच जाएगा, जैसे कि हैंड हो गया, बंसी हो गया, और बाकी जो बॉडी की पार्ट है उसको हम और एक एपिसोड में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस एपिसोड में हम कंप्लीट करने वाले जो भी पार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं सेकेंड एपिसोड में लिप से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट लेयर लिप में मैकेंटा पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आपके पास मैकेंटा पेंसिल नहीं है तो HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ब्रांड का चलेगा। तो देखिए मैं किस तरह से लेयर बाय लेयर यहाँ पर जा रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर एक बात आप नोटिस कीजिए गाइस, उसी सेम पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पर लिप में डार्क वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रेशर का यूज़ करके। तो गाइस, फर्स्ट लेयर ऐड होने के बाद यहाँ पर मैं ब्रश से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। आपके पास ब्रश नहीं है तो गाइस आप कॉटन बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ी सी ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, फर्स्ट लेयर में मैग्नेटिक पेंसिल का यूज़ करके देने के बाद यहाँ पर मैं ग्रेड को बढ़ा रहा हूँ, और 2B और 4B पेंसिल का यूज़ करके जो भी डार्क पार्ट है, जो भी डार्क वैल्यू है, यहाँ पर मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके यहाँ पर जो भी हाईलाइट है उसको मैं टॉम्बो इरेजर का यूज़ करके यहाँ पर मैं हाईलाइट को दे रहा हूँ। इस तरह मैं बाकी पार्ट को, जो भी फेस का पार्ट है उसको मैं शेडिंग किया था। यहाँ पर भी उसी सेम टेक्निक का यूज़ करके लाइट से डार्क फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके रेफरेंस फोटोग्राफ को यहाँ पर मैं शेडिंग ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए, शेडिंग ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ करके और ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके मैं ब्लेंड कर रहा हूँ और एक लेयर फिर दे रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हाईलाइट देने के लिए जगह जगह पर मैं निरेबल इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास निरेबल इरेजर नहीं है तो आप सिंपल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं क्राउन पार्ट को सेटिंग कर रहा हूँ, तो जो कि सबसे ज़्यादा छोटी छोटी डिटेलिंग पार्ट यहाँ पर ही है। तो गाइस, यहाँ पर मैं शेडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं और जो भी यहाँ पर क्राउन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ हाईलाइट का। तो गाइस, यहाँ पर हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पर जो टोम्बो का इरेजर है उसको यूज़ करने वाला हूँ, और जो साकुरा का जेल पेन है उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा वो इन दोनों का यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, तो गाइस मैं यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर 2B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर HB या मैग्नेटिक पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 2B से यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादातर डार्क पार्ट और हाईलाइट पार्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा ग्रेड वाले पेंसिल का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर मैं ब्रश और पेपर स्टम्प जो दोनों का यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ।
तो गैस यहाँ पर मैं लेयर ऐड कर देने के बाद यहाँ पर मैं साकुरा का व्हाइट जेल पेन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा व्हाइट होता है, जो कि हाईलाइट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ग्राफाइट में, खास करके ग्राफाइट में हाईलाइट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो गैस यहाँ पर ग्राफाइट में एक प्रॉब्लम होता है, जो भी आप इरेजर का यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छी तरह से इरेज नहीं हो पाता है। तो गैस यहाँ पर मैं आपको सजेशन करूँगा, जो भी ज़्यादा डार्क पार्ट है वहाँ पर आप हाईलाइट के लिए यहाँ पर व्हाइट जेल पेन का यूज़ करिए। तो गाइस इस ड्राइंग का मैं ऑलरेडी दो वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, जो कि एक आउटलाइन का वीडियो था और शेडिंग का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैं आई और नोज को आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया था, आप किस तरह से इजी मेथड में आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो उन दोनों एपिसोड आपने देखे ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को देख लेना। तो गैस अभी यहाँ पर ईयर में भी उसी सेम मेथड का यूज़ करूँगा, उसी सेम टेक्निक का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी लाइट से डार्क जाऊँगा, डायरेक्टली मैं डार्क पार्ट को यहाँ पर मैं नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से लाइट पेंसिल यूज़ करके मैं यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं लेयर बाई लेयर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं हेयर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं रेफरेंस प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शन देखते हुए एक एक हेयर को मैं यहाँ पर मैं 2B और HB पेंसिल का यूज़ करके एक एक हेयर को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो उसके बाद फर्स्ट लेयर ऐड करने के बाद मैं ग्रेड बढ़ाऊँगा। तो देखिए मैं किस तरह से हेयर को ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं एक एक हेयर को दे रहा हूँ। फर्स्ट लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ करके यहाँ पर हल्की सी प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गाइस फर्स्ट लेयर में डायरेक्शन देने के बाद हेयर की यहाँ पर मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ करके थोड़ी सी डार्क वैली को यहाँ पर मैं सेकंड लेयर पे बढ़ा रहा हूँ।
और ब्रश से यहाँ पर मैं फिर से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दे रहा हूँ। दोनों लेयर देने के बाद यहाँ पर मैं लास्ट लेयर दे रहा हूँ जो कि 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डार्क करने वाला हूँ, जो भी डार्क वैल्यू है, जो भी ज़्यादा डार्क वैल्यू यहाँ पर मैं यहाँ पर बढ़ाने वाला हूँ। और जो भी डार्क वैल्यू बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं फिर से मैं ब्रश का यूज़ करके यहाँ पर मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। तो देखिए मैं बहुत ही हल्के प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पर मैं फिर से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। तो अभी मैं हाईलाइट दे रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है हेयर में। हाईलाइट नहीं देखोगे तो गाइस जो भी हेयर आप ड्रॉ कर रहे हो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं टोम्बो का इरेजर यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट देने के लिए फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके। देखिए मैं किस तरह से हाईलाइट दे रहा हूँ, और हाईलाइट देने के बाद जो भी छोटे छोटे हेयर है जो कि साइड में होती है उसको मैं यहाँ पर 2B और HB पेंसिल का यूज़ करके मैं छोटे छोटे हेयर को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं उसी सेम टेक्निक उसी सेम मेथड का यूज़ करके यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड की हेयर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। तो गाइस इस एपिसोड को यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस इसकी नेक्स्ट एपिसोड में जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो जो कि बाकी पार्ट बच गया है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस इस एपिसोड जो इस सेटिंग का एपिसोड आपको किस तरह लगा जरूर नीचे कमेंट करना। और गाइस जो भी सीख के इस एपिसोड को जो इस ड्राइंग को आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मेरे को टैग भी कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।